Hello everyone, welcome to Free Study. So this is the second last part of Insights on India September 2019 Current Affairs PDF. हम already 3 videos cover कर चुके हैं, ये 4th video है, एक video और आएगी, then हमारा September का Current Affairs जो है वो complete हो जाएगा. इस video के अंदर हम page number 91 to 120 करेंगे, okay, and then next 25 pages करेंगे हम next video के अंदर. तो स्टार्ट करते हैं फॉल आर्मी वॉर्म से. बता दूं आपको पहले ही कि ये टॉपिक्स, आज काफ़ी सारे टॉपिक्स अगेन ऐसे आएंगे जो हम कई बार रिपीट कर चुके हैं, ठीक है. तो आप उनको सभी वीडियोस आपने देखी होंगी तो आप रिलेट कर पाएंगे. अगर सभी वीडियोस आपने नहीं देखी हैं तो आप वो वीडियो ज़रूर देख लें ताकि आपके जो टॉपिक्स हैं वो रिवाइज हो जाएँ. स्टार्ट करेंगे फॉल आर्मी वॉर्म से. ये टॉपिक हम ऑलरेडी कर चुके हैं, मैं रिवाइज़ आपको करा देती हूँ. इसके साथ साथ आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें एंड बेल आइकॉन भी प्रेस करें. तमिलनाडु टेक्स्ट बुक की भी जो हिस्ट्री की वीडियोस हैं वो चैनल पर अपलोड हो रही हैं, आप वो भी ज़रूर देखें. अगर आपने मेडिवल एंड जो एंशियंट इंडिया है वो अगर आपने प्रिपेयर नहीं किया है तो उन वीडियोज़ से आपको बहुत हेल्प मिलेगी. सो फॉल आर्मी वॉर्म ये देखिए हम ऑलरेडी कर चुके हैं एंड मैं एक बार आपको दोबारा रिवाइज़ कराती हूँ. काफ़ी सारी जो क्रॉप्स हैं बिहार के अंदर वहाँ पे फॉल आर्मी वॉर्म पाया गया है. ये पेस्ट अटैकिंग क्रॉप्स हैं, मींस पेस्ट है एक तरीके से, क्रॉप को अटैक करता है एंड ये काफ़ी सारी डिस्ट्रिक्ट्स में पाया गया. एंड इंडिया का जो थर्ड लार्जेस्ट मेज प्रोड्यूसर हैं वहाँ पर ये सबसे ज़्यादा पाई गई हैं. तो रिपोर्ट्स यहीं आई हैं कि इंडिया जो थर्ड लार्जेस्ट मेज प्रोड्यूसर है उसमें ये बहुत ज़्यादा पाई गई हैं एंड ये अमेरिका के ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन के नेटिव हैं. सबसे पहले इसको अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में पाया गया था फॉल आर्मी वॉर्म को 2016 में. फिर ये चाइना, थाईलैंड, मलेशिया और श्रीलंका के अंदर फैल गया, ठीक है. इसके बाद ये भी रिपोर्ट किया गया कि कर्नाटका के अंदर ये सबसे पहली बार मिला एंड विद इन 6 मंथ्स ये कंट्री के 50% एरिया में फैल गया, जैसे कि मिजोरम, महाराष्ट्र, कर्नाटका, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, गुजरात एंड वेस्ट बंगाल. अब ये डेंजरस क्यों है? क्योंकि ये पॉलीफेगस है, मतलब ये अलग अलग काइंड के फूड पर फीड कर सकता है एंड नेचर ऑफ कैटरपिलर इसका ऐसा ही है एंड जो एबिलिटी है अडल्ट मॉथ की टू फ्लाई मोर देन 100 किलोमीटर पर नाइट एंड इसकी एबिलिटी है कि ये मल्टी क्रॉप्स पर फीड कर सकता है, 80 डिफरेंट क्रॉप्स पर रेंजिंग फ्रॉम मेज से लेके शुगर केन. तो ये मल्टीपल क्रॉप्स को अटैक कर सकता है एंड इट कैन स्प्रेड अक्रॉस लार्ज ट्रैक्ट्स ऑफ लैंड, क्योंकि ये लॉन्ग डिस्टेंसेस तक भी फ्लाई कर सकता है. तो ये आप देख सकते हैं इसकी डायग्राम, जो मॉथ्स हैं दे आर लेइंग एग्स ऑन इमेच्योर प्लांट्स विच हैच विद इन 3 or 5 days. फिर ये जो लार्वा होगा ये 14 से 28 days के अंदर देखिए ये अमर्ज हो जाएगा एंड इट विल बरो इन टू मेज क्रॉप. फिर देखिए डेवलपमेंट के बाद दे विल क्रॉल टू द ग्राउंड टू पॉपुलेट इन द सॉइल इन 7 to 14 days. देन आपका जो प्यूपेशन होगा वो एंड हो जाएगा एंड साइकिल रिपीट होगी दोबारा से, किसके अंदर? वार्मर क्लाइमेट्स के अंदर. सो आपका ये आउटपुट को कैसे अफेक्ट करता है? मेज़, सोरगम जिसको ज्वार कहते हैं, शुगर केन, उसको इसने बहुत ज़्यादा अफेक्ट किया है. मेज़ को सबसे ज़्यादा अफेक्ट किया है एंड साउदर्न इंडिया में सबसे ज़्यादा इसने क्रॉप्स को ख़राब किया है. FAW का जो इन्फेस्टेशन है, जो ड्रॉट होता है, सूखा जब पड़ता है, इट लेड टू अ शॉर्ट फॉल ऑफ नियरली 5 lakh tons इन आउटपुट, ठीक है, इतने का नुकसान हुआ है. एंड मेज़ के अंदर हम थर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट सीरियल क्रॉप है हमारी कंट्री की, तो अगर इसको चेक नहीं किया गया देन इट कैन क्रैक हैवॉक. नौ प्रधानमंत्री किसान मंधन योजना, आई थिंक ये 7th time इसके अंदर आ रहा होगा PDF के अंदर, दोबारा से सुन लीजिए. लाइफ जो है स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स की इम्प्रूव करनी है, वॉलंटरी है, कॉन्ट्रीब्यूटरी है फार्मर्स के लिए, एज ग्रुप है 18 to 40 years, मंथली पेंशन मिलेगी 3000 rupees जब 60 की एज अचीव कर लेंगे, ठीक है. स्पाउस को भी मिलेगी 3000 यूजिंग द सेपरेट अपॉन यूजिंग सेपरेट कॉन्ट्रीब्यूशंस टू द फंड. इनिशियली 55 से लेके 100 rupees का फार्मर कॉन्ट्रीब्यूशन कर सकता है अपनी एज ऑफ एंट्री के हिसाब से, रिटायरमेंट डेट तक 60 years तक, एंड सेंट्रल गवर्नमेंट भी इतना ही कॉन्ट्रीब्यूशन देगी. LIC जो होगा वो इसका पेंशन फंड मैनेजर होगा एंड अगर कोई स्पाउस नहीं है तो जो टोटल कॉन्ट्रीब्यूशन होगा इंटरेस्ट के साथ वो नॉमिनी को पे कर दिया जाएगा.
अगर फार्मर रिटायरमेंट डेट के बाद उसकी डेथ होती है तो स्पाउस को 50% पेंशन मिलेगी। अगर फार्मर एंड स्पाउस दोनों की डेथ हो जाती है तो जितना भी एक्यूमुलेटेड कॉर्पस होगा वो वापस पेंशन फंड के अंदर ही आ जाएगा। बेनिफिशियरीज के पास ये भी ऑप्शन होगा कि वो 5 साल के बाद चाहे तो इस स्कीम से एग्जिट भी कर सकते हैं। अगर रेगुलर कॉन्ट्रीब्यूशन पे करने में गलती की तो बेनिफिशियरीज उसको आउटस्टैंडिंग व्यूज को विद इंटरेस्ट जो है उसको ठीक भी कर सकते हैं। इस सिग्निफिसेंस क्या है इस स्कीम की, इससे 10 करोड़ लेबरर्स एंड वर्कर्स को जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करते हैं उनको फ़ायदा मिलेगा। नाउ वी विल रीड अबाउट मार्केट इंटरवेंशन प्राइज स्कीम। तो आज मैं आपको सभी टॉपिक्स करा देती हूँ जो हमने कर भी लिए हैं, तो मैं आप आज भी उनको रिवाइज भी करा देती हूँ। तो चलिए करते हैं। द गवर्नमेंट इज़ प्लानिंग टू प्रोक्योर ऑलमोस्ट 12 लाख मैट्रिक टन्स ऑफ एप्पल दिस सीजन अंडर द MISP। तो मार्केट इन्वेंशन प्राइज स्कीम के अंडर जो गवर्नमेंट है वो करीब करीब 12 लाख मैट्रिक टन जो एप्पल है वो प्रोक्योर करने वाले हैं। तो मार्केट इंटरवेंशन प्राइज स्कीम क्या होती है, ये एक प्राइस सपोर्ट मैकेनिज्म है जो कि स्टेट गवर्नमेंट की रिक्वेस्ट पे इम्प्लीमेंट किया जाता है। इसमें अगर मार्केट प्राइसेस फॉल हो जाएंगे तो जो भी पेरिशेबल या जो हॉर्टिकल्चरल कॉमोडिटीज़ होंगी उनको सरकार प्रोक्योर कर लेती है। ये स्कीम तभी इम्प्लीमेंट होगी जब कम से कम 10% इंक्रीज़ हुआ हो प्रोडक्शन में और या फिर 10% डिक्रीज़ हुआ हो इन द रूलिंग रेट्स ओवर द प्रीवियस नॉर्मल ईयर। इसका ऑब्जेक्ट यही है कि जो हॉर्टिकल्चर या जो एग्रीकल्चर कॉमोडिटीज़ को ग्रो करते हैं उनको प्रोटेक्ट किया जा सके, कोई ऐसा ना हो कि उनको कोई नुकसान हो कि प्राइस फॉल हो गए तो उनकी वजह से उनको नुकसान हो। एंड इसको इम्प्लीमेंट कौन करता है, इसको डिप्लीमेंट करते हैं डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड कॉपरेशन। तो देखिए कॉपरेट कर रहे हैं ना, तो डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड कॉपरेशन। नाउ MIP के अंदर जो फंड्स होते हैं दे आर नॉट एलोकेटेड टू द स्टेट्स, बल्कि जो सेंटर है वो लॉसेस को शेयर करता है एज पर द गाइडलाइंस विच इज रिलीज टू द स्टेट गवर्नमेंट एंड यूनियन टेरिटरीज। जिसके लिए जो MIP होगा वो अप्रूव किया जाएगा। जो एरिया ऑफ ऑपरेशन होगा वो सिर्फ कंसर्न्ड स्टेट तक ही रेस्ट्रिक्टेड रहेगा। जो MIS है वो इम्प्लीमेंट किया जाएगा इन केस ऑफ कॉमोडिटीज लाइक एप्पल्स, किन्नू, माल्टा, गार्लिक, ऑरेंजेस, गलगल, ग्रेप्स, मशरूम्स, क्लोव, ब्लैक पेपर, पाइनएप्पल, जिंजर, रेड चिलीज, कोरिएंडर सीड। मार्केट इनोवेशन इंटरवेंशन स्कीम एक एडहॉक स्कीम है जिसके अंदर हॉर्टिकल्चरल कॉमोडिटीज एंड एग्रीकल्चर कॉमोडिटीज जो पेरिशेबल हो नेचर में एंड जो मिनिमम सपोर्ट प्राइसेस में कवर्ड ना हो, गवर्नमेंट ने इम्प्लीमेंट की है MIS फॉर अ पर्टिकुलर कॉमोडिटी स्टेट गवर्नमेंट की रिक्वेस्ट पे। जो लॉसेस होते हैं वो सफ़र किए जाते हैं आर शेयर्ड ऑन अ 50:50 बेसिस बिटवीन द स्टेट गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट। नाउ वी विल सी हाउ वेव्ड लोन्स इम्पैक्ट स्टेट्स। तो वेव्ड लोन से स्टेट्स पर कैसे असर पड़ता है, एक रिपोर्ट आई है इंटरनल वर्किंग ग्रुप की जिसे RBI ने सेटअप किया था फेबररी के अंदर, वो रिलीज़ हो गई है। ठीक है, ये ग्रुप जो है वो सेटअप की गई थी ये देखने के लिए कि लोन वेवर्स का स्टेट फाइनेंसिस पर क्या असर पड़ेगा। ठीक है, तो बैकग्राउंड क्या है, 2014-2015 में काफ़ी सारे स्टेट गवर्नमेंट्स ने अनाउंस किया फार्म लोन वेवर्स के लिए, क्योंकि काफ़ी सारे रीजंस थे कि वो डिस्ट्रेस्ड फार्मर्स जो स्ट्रगल कर रहे हैं कम इनकम से, रिपीटेड ड्रॉट आ रहे हैं, डीमोनेटाइजेशन, इलेक्शंस की टाइमिंग की वजह से, सो दैट्स व्हाई दे वर डूइंग दिस। काफ़ी सारे ऑब्जर्वर्स जो थे इकोनॉमी के इंक्लूडिंग द RBI उन्होंने वॉर्न किया था अगेंस्ट द यूज़ ऑफ फार्म लोन वेवर्स। की फाइंडिंग्स क्या रही, फार्म लोन वेवर्स की वजह से जो स्टेट का फाइनेंस है वो बुरा हुआ। पिछले 5 सालों में सिर्फ कुछ ही स्टेट्स हैं जिन्होंने ऑलरेडी वेव कर दिया है 3 बार वो अमाउंट वेव्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट इन 2008 एंड 2009। एक्चुअल जो वेवर्स है वो 2017-18 में ज़्यादा रहे क्योंकि डीमोनेटाइजेशन था एंड उसका एडवर्स इम्पैक्ट पड़ा फार्म की इनकम्स पर, जिसकी वजह से स्टेट का फिस्कल डेफिसिट 12% तक हो गया। फार्म लोन वेवर अगर गवर्नमेंट करती है इसका मतलब गवर्नमेंट जो है वो सेटल कर रही है प्राइवेट डेब्ट जो फार्मर को बैंक को देना है, लेकिन इसके थ्रू बाय डूइंग सो ईट्स इनटू द गवर्नमेंट रिसोर्सेज। तो इससे
दो चीज़ों में से एक चीज़ होगी, या तो गवर्नमेंट का फिस्कल डेफिसिट होगा, ठीक है, या फिर उन्हें अपना एक्सपेंडिचर कम करना होगा। तो अगर हाइयर फिस्कल डेफिसिट होता है स्टेट लेवल पर भी, इसका मतलब जो पैसा अवेलेबल होगा लेंडिंग के लिए, चाहे वो बिग बिजनेस हो या चाहे स्मॉल बिजनेस हो, उनके लिए अमाउंट जो होगी वो क्या हो जाएगी, कम। क्योंकि जो कॉस्ट, जिस कॉस्ट पे पैसा लेंड किया जाता है वो भी क्या हो जाएगी, हाइयर। तो अगर फ्रेश क्रेडिट कॉस्टली होगा तो कुछ ही न्यू कंपनीज होंगी एंड कम जॉब क्रिएट होंगी। तो सजेशंस क्या हैं, गवर्नमेंट चाहे वो सेंट्रल हो या चाहे स्टेट हो, तो उन्हें अवॉइड करना चाहिए टू फार्म लोन वेवर्स। गवर्नमेंट को एक हॉलिस्टिक रिव्यू करना चाहिए सभी एग्रीकल्चरल पॉलिसीज़ का एंड उनके इम्प्लीमेंटेशन का। देखना चाहिए जो करंट सब्सिडी पॉलिसीज़ हैं उनके इफेक्टिवनेस को इवेलुएट करना चाहिए विद रिगार्ड टू एग्री इनपुट्स एंड क्रेडिट इन अ मैनर विच विल इम्प्रूव द ओवरऑल वायबिलिटी ऑफ एग्रीकल्चर। ये जो फाइंडिंग्स हैं ये इम्प्लाई करती हैं कि फार्म लोन वेवर्स आर नॉट कंसिडर्ड प्रूडेंट बिकॉज दे हर्ट ओवरऑल इकोनॉमिक ग्रोथ एंड जो क्रेडिट कल्चर है उसको तो रियून करते ही हैं, इंसेंटिवाइज करते हैं डिफॉल्टर्स को, एंड दे शुड बी पेनलाइज्ड हु पे बैक देयर लोन्स, ठीक है, मतलब हु डू नॉट पे बैक देयर लोन्स। नाउ पार्टिसिपेटरी गारंटी स्कीम, तो जो हेड है इंडिया फूड सेफ्टी रेगुलेटर, उन्होंने कहा दैट शी एक्सपेक्ट कि जो यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री पार्टिसिपेटरी गारंटी स्कीम है वो ज़्यादा फार्मर्स को इंसेंटिवाइज करेगी कि वो ऑर्गेनिक फूड को ग्रो करे। पार्टिसिपेटरी गारंटी स्कीम एग्रीकल्चर यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री के अंदर एक ऐसी प्रोसेस है जहाँ पे ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स को सर्टिफाई किया जाता है, जो ये इंश्योर करते हों कि हाँ ये क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को मीट करते हैं। ये जो सर्टिफिकेशन है ये इसमें एक डॉक्यूमेंटेड लोगो एंड एक स्टेटमेंट दी जाती है, एंड IFOAM के अकॉर्डिंग, दैट इज़ इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर मूवमेंट्स, जो बॉन बेस्ड ग्लोबल अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन है, तो PGS ये लोकली फोकस्ड क्वालिटी अश्योरेंस सिस्टम है जो सर्टिफाई करते हैं प्रोड्यूसर्स को बेस्ड ऑन एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ स्टेक होल्डर्स एंड दे आर बिल्ड ऑन अ फाउंडेशन ऑफ ट्रस्ट, सोशल नेटवर्क एंड नॉलेज एक्सचेंज। इसके फायदे क्या होंगे, प्रोसीजर सिंपल है, डॉक्यूमेंट्स बेसिक होते हैं, फार्मर्स जो हैं वो लोकल लैंग्वेज समझ पाते हैं, जितने में मेंबर्स एक दूसरे के साथ रहते हैं, एक दूसरे को जानते हैं एंड प्रैक्टिस करेंगे अगर ऑर्गेनिक फार्मिंग देमसेल्व्स, तो उससे वो प्रोसेस भी समझेंगे। पीयर जो होंगे वो अप्रेज करेंगे लिविंग इन द सेम विलेज, उनको बेटर एसेस मिलेगी टू सर्वेलेंस, पीयर अप्रेजल मिलेगा इंस्टेड ऑफ थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन, म्यूचुअल रिकॉग्निशन होगा, सपोर्ट बढ़ेगा रीजनल PGS ग्रुप्स के अंदर। नाउ हाउ एवर जो ऑपरेशनल मैनुअल है वो ये भी आइडेंटिफाई करता है कुछ लिमिटेशंस, जैसे कि जो PGS सर्टिफिकेशन है वो सिर्फ फार्मर्स या उन कम्युनिटीज़ के लिए है जो ऑर्गेनाइज कर सके या परफॉर्म कर सके एज अ ग्रुप विद इन अ विलेज और अ क्लस्टर ऑफ कॉन्टिन्यूस विलेजेस, एंड ये एप्लीकेबल है उन्हीं फार्म एक्टिविटीज़ के लिए जैसे क्रॉप प्रोडक्शन, प्रोसेसिंग, लाइव स्टॉक रियरिंग, ऑफ फार्म प्रोसेसिंग बाई PGS फार्मर्स ऑफ देयर डायरेक्ट प्रोडक्ट्स। इंडिविजुअल फार्मर्स या ग्रुप ऑफ फार्मर्स जो कि कम हों 5 मेम्बर्स से, वो कवर्ड नहीं है इस PGS के अंदर, या तो उन्हें थर्ड पार्टी सर्टिफिकेशन लेना होगा या फिर एग्जिस्टिंग PGS लोकल ग्रुप को ही ज्वाइन करना होगा। नाउ वी विल रीड अबाउट PM किसान स्कीम। तो गवर्नमेंट ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि पोर्टल जो है वो ओपन कर दिया है ताकि फार्मर सेल्फ रजिस्ट्रेशन करा सके, एंड इससे जो सेल्फ एनरोलमेंट होगी उससे फार्मर्स को हेल्प मिलेगी जिनके नेम्स मिस्ड आउट हो जाते हैं, एंड काफ़ी सारी जो स्टेट्स हैं वो स्लो भी रहीं काफ़ी रीजंस की वजह से। तो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि है क्या, इसके अंदर जो भी लैंड होल्डिंग, वल्नरेबल लैंड होल्डिंग फार्मर फैमिलीज़ हैं जो 2 हेक्टर्स के लैंड को कन्वर्ट करती हूँ, उन्हें डायरेक्ट इनकम सपोर्ट मिलेगा 6,000 पर ईयर का, 3 इंस्टॉलमेंट्स मिलेंगी 2,000-2,000 रुपये की, जो पूरा एक्सपेंडिचर 75,000 का है वो सरकार उठाएगी, ठीक है। पहले बता दूँ ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं, बट टुडे आई एम रिपीटिंग ऑल द टॉपिक्स अगेन। नाउ स्मॉल एंड मार्जिनल लैंड होल्डर फैमिली क्या होती है, इसमें हस्बैंड होगा, वाइफ होंगे, बच्चे होंगे 18 ईयर से कम, जिनका कल्टीवेबल लैंड हो कितना, 2 हेक्टेयर तक का, ठीक है, एज पर द लैंड रिकॉर्ड्स ऑफ द कंसर्न्ड स्टेट्स। सिग्निफिकेंस क्या है, 12 करोड़ जो छोटे एंड मार्जिनल फार्मर्स हैं उनको इससे फायदा मिलेगा। कुछ और स्टेट्स भी हैं जो इसी तरीके के प्रोग्राम्स चला रही हैं, जैसे कि भवंतर भुगतान योजना मध्य प्रदेश के अंदर चल रही है,
रायतु बंधु स्कीम तेलंगाना में चल रही है, जहाँ पे 4,000 रुपये पर एकड़ दिए जाते हैं एवरी सीजन सभी फार्मर्स को। एंड ऐसे ही इनिशिएटिव झारखंड एंड उड़ीसा में भी चल रहे हैं, ठीक है। देन आपका है कालिया उड़ीसा का, दैट इज़ कृषक अलायंस फॉर लाइवलीहुड इनकम ऑगमेंटेशन, जो कि थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। एंड ये भी 5,000 रुपीज़ पर SMF, मतलब एक साल में 2 बार देते हैं, मतलब साल में 10,000 रुपये। अब देखिए इसके बेनिफिट्स क्या होंगे, बेनिफिट्स हंगर, ये सारे आपको गुड पॉइंट्स हैं, इसमें आपको कुछ ऐसे खास हम नहीं पढ़ते हैं। चैलेंजेस क्या हैं, कैश ट्रांसफर्स क्या मतलब लीकेजेस तो नहीं हो पाएंगी, मतलब दे आर नॉट ग्रेटली सुपीरियर इन टर्म्स ऑफ लीकेजेस एंड सच एस PDS। तो इससे जो स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है बेसिक सर्विसेज प्रोवाइड करना, उसको भी सॉल्व करने की कोशिश की जानी चाहिए। एंड कैश ट्रांसफ़र स्कीम सब्सटीट्यूट नहीं की जा सकती सब्सिडीज़ के लिए या दूसरे इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट सिस्टम्स के लिए। कैश ट्रांसफ़र कभी भी सब्सटीट्यूट नहीं हो सकता है स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स का, जो कि एग्रीकल्चर में चाहिए, ना ही ये फार्मर्स को कॉम्पनसेट कर सकता है फॉर द रिस्क एंड अनसर्टेनिटी। एबसेंटी लैंडलॉर्ड्स को ये फायदा नहीं पहुंचाएगा। एंड अगर कोई सब्सटीट्यूट नहीं होगा लैक ऑफ इन्वेस्टमेंट का, तो रियल टर्म्स में इससे डिक्लाइन होगा 2.3% पर एनम। तो ये आपका अगर क्वेश्चन आएगा तो ये मेंस में आएगा, तो प्रिलिम्स में नहीं आएगा। नाउ इथेनॉल, तो ये भी हम ऑलरेडी कर चुके हैं, लेकिन आज हम सभी टॉपिक्स दोबारा से कर रहे हैं, ठीक है। CCEA ने अप्रूव कर दिया है कि इथेनॉल के जो प्राइजेज हैं बाय प्राइ पब्लिक सेक्टर ऑयल मार्केटिंग कंपनीज, वो बढ़ सकते हैं फ्रॉम शुगर मिल्स फॉर ब्लेंडिंग विद पेट्रोल फ्रॉम 1 दिसंबर। तो ये ओल्ड शुगर को कन्वर्ट किया जाता है इथानॉल में, ये अलाउ कर दिया गया है। इथानॉल बेसिकली एल्कोहल होता है 99% प्लस प्योरिटी, जिसको ब्लेंड किया जाता है पेट्रोल के साथ। इसको प्रोड्यूस किया जाता है मोलासिस से, जो कि एक बाय प्रोडक्ट है शुगर मैन्युफैक्चर का। इस मूव का फ़ायदा क्या होगा, ये एक ह्यूज इंसेंटिव है जिससे इथानॉल आज प्रोड्यूस हो रहा है। एंड इसको एडिशनली भी गवर्नमेंट फैसिलिटेट करती है कि 10% ब्लेंडिंग करो पेट्रोल के विद इथानॉल। एंड अगर जो मिल्स हैं वो और ज़्यादा केन जूस दे सकें इथानॉल के लिए, तो इट वुड मीन प्रोड्यूसिंग लेस शुगर, क्योंकि कंपनी बहुत ज़्यादा शुगर प्रोड्यूस करती है, इम्पोर्ट करती है ऑयल को। तो जो इथानॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम है वो बेनिफिशियल है मिल्स के लिए भी एंड कंट्री के बैलेंस ऑफ पेमेंट्स के लिए भी। तो ये ध्यान रखिएगा कि 10% ब्लेंडिंग को मैंडेट किया है, ठीक है। फायदे क्या होंगे, इम्पोर्ट कम होगा, एग्रीकल्चर सेक्टर को हेल्प मिलेगी, एनवायरमेंटली फ्रेंडली फ्यूल है ये, फार्मर्स को और इनकम मिलेगी। एक और प्रोग्राम है इथानॉल ब्लेंडेड पेट्रोल प्रोग्राम, यही है 2003 में ऐसी तरीके का लॉन्च किया गया था ताकि प्रोमोट किया जा सके ऑल्टरनेटिव एंड एनवायरमेंटल फ्रेंडली फ्यूल्स को। इसको इम्प्लीमेंट OMC करती है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, मिनिस्ट्री और ऑयल मार्केटिंग कंपनीज। नाउ ज़रूरत क्यों है, क्योंकि इंडिया थर्ड लार्जेस्ट कंज्यूमर है एनर्जी की चाइना एंड US के बाद। इंडिया के जो डिपेंडेंस है इम्पोर्ट्स पर फॉर अबाउट 82.1% ऑफ इट्स क्रूड ऑयल रिक्वायरमेंट एंड टू द एक्सटेंट ऑफ अबाउट 44.4% इन केस ऑफ नेचुरल गैस। ये भी उम्मीद लगाई जा रही है कि इंडिया को 10 बिलियन लीटर्स ऑफ इथेनॉल चाहिए ताकि 20% ब्लेंडिंग टारगेट जो 2030 के अंदर रखा गया है उसे कंप्लीट किया जा सके। चैलेंजेस क्या रहेंगे, इंटीग्रेटेड अप्रोच की कमी, शॉर्टफॉल होना इन सप्लाई ऑफ इथेनॉल इन द पास्ट। वे अहेड क्या है, जो नेशनल पॉलिसी हो बायोफ्यूल्स की, उसने टारगेट सेट किया है कि 20% ब्लेंडिंग करनी होगी बायोफ्यूल्स की, बायोडीजल के लिए भी एंड बायो इथानॉल के लिए भी। इसके लिए इंटीग्रेटेड अप्रोच चाहिए इन इथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम। एंड ये जो टाइम होगा इज़ राइप फॉर अ कोजेंट एंड कंसिस्टेंट पॉलिसी एंड एडमिनिस्ट्रेटिव फ्रेमवर्क इन द प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन फॉर द सक्सेस ऑफ EBP। नाउ वी विल रीड अबाउट नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन। तो एक टास्क फोर्स ड्रॉ किया गया टू ड्रॉ अप अ नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन फाइनेंशियल ईयर 2019-20 से 2024-25 तक। इसको चेयर करेंगे सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स के एंड मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, मीन्स मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर ही आता है डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स के सेक्रेटरी। ये है क्या, ये इंश्योर करेगा कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हैं वो एडिक्वेटली बनाए जाएँ एंड लॉन्च किए जाएँ। इसके अंदर ग्रीन फील्ड ब्राउन फील्ड प्रोजेक्ट्स इंक्लूडेड होंगे जिनकी कॉस्ट 100 करोड़ से ज़्यादा हो। हर मिनिस्ट्री एंड डिपार्टमेंट रिस्पॉन्सिबल होगा मॉनिटरिंग के लिए प्रोजेक्ट्स के, एंड इससे है मदद मिलेगी इन स्टेपिंग अप द एनुअल इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट, ताकि जो GDP है वो 5 ट्रिलियन का हम अचीव कर पाए बाय 2024 टू 2025।
ज़रूरत क्यों है इंफ्रास्ट्रक्चर फंडिंग की? क्योंकि पास्ट डिकेड के अंदर 2008 से 2017 में इंडिया ने 1.1 ट्रिलियन खर्च किया है इंफ्रास्ट्रक्चर पे। क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर ज़रूर होना चाहिए, इन्वेस्टमेंट करना ज़रूरी है अगर ग्रोथ रेट चाहिए। एंड क्योंकि हमारा जो GDP का टारगेट हो गया है वो 5 ट्रिलियन हो गया है, तो इंडिया को 1.4 ट्रिलियन खर्च करने पड़ेंगे, यानी कि 100 लाख 100 लाख करोड़ खर्च करने होंगे इन सालों में ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर। नाउ इलेक्ट्रिक या फिर हाइड्रोजन कार्स आशियन एशियन की जो इकोनॉमीज़ हैं दे आर बैकिंग द लेटर। नाउ चाइना जापान एंड साउथ कोरिया तो CJS, ठीक है, इनके एम्बिशियस टारगेट हैं कि ये हाइड्रोजन पावर्ड व्हीकल्स को रोड्स पे उतार दे बाय द एंड ऑफ नेक्स्ट डिकेड एट अ कॉस्ट ऑफ बिलियंस ऑफ डॉलर्स। चाइना जो कि वर्ल्ड का बिगेस्ट ऑटो मार्केट है, 28 मिलियन व्हीकल्स एनुअली सेल करता है, उसको वो उम्मीद लगा रहा है कि वो 1 मिलियन से भी ज़्यादा हाइड्रोजन फ्यूल सेल व्हीकल्स जो हैं वो निकालेंगे बाय 2030, एंड इसको दैट कंपेयर्स विद जस्ट 1500, ठीक है, एंड मोस्ट ऑफ जो है वो उसमें से बसेस हैं। जापान जो कि एक मार्केट है 5 मिलियन व्हीकल्स का हर साल, वो चाहता है कि 8 लाख FCVs, FCVs मीन्स आपके जो फ्यूल सेल व्हीकल्स हैं वो ये लोग सोल्ड करें, एंड अभी सेल करते हैं 3400। साउथ कोरिया जो है, जो कि 1/3 है साइज ऑफ जापान की, उनका टारगेट है 8,50,000 व्हीकल्स का बाय 2030, एंड अभी वो सिर्फ 900 सोल्ड करते हैं। हाइड्रोजन क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन एक क्लीन एनर्जी सोर्स है, क्योंकि वाटर एंड हीट ही इसके बाय प्रोडक्ट्स बचते हैं। नंबर ऑफ सोर्सेज से बनाया जा सकता है, मीथेन से, कोल से, वाटर से, इवन गार्बेज से भी, ठीक है। देन आप देखिए, व्हाई हैव नॉट फ्यूल कार्स कॉट ऑन येट? क्योंकि रिफ्यूलिंग स्टेशंस की कमी है, जिनको बनाने में बहुत कॉस्ट आएगी, इनफ आपके पास FCVs नहीं है, ठीक है, तो रिफ्यूलिंग स्टेशंस को प्रॉफिटेबल बनाना पड़ेगा। कंज्यूमर्स की चिंता है कि एक्सप्लोजन ना हो जाए, हैवी सब्सिडीज़ की ज़रूरत है ताकि प्राइजेस जो हैं वो गैसोलिन पावर्ड कार्स के बराबर आ सके। नाउ वी विल रीड अबाउट कोल गैसिफिकेशन। तो गवर्नमेंट ने लंप सम टर्न की कॉन्ट्रैक्ट को अवार्ड किया है उनके कोल गैसिफिकेशन प्लांट PF टेल्चर फर्टिलाइजर्स लिमिटेड के लिए टू MS वुहान इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड चाइना, क्योंकि ये उनका पार्ट ऑफ मेजर्स है जिसकी वजह से जो यूनिट्स क्लोज्ड हो गई थी, फर्टिलाइजर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड एंड हिंदुस्तान फर्टिलाइजर्स कॉरपोरेशन लिमिटेड, उनको रिवाइव करने की बात की जा रही है। बेनिफिट क्या होंगे गैसिफिकेशन के? गैस को ट्रांसपोर्ट करना इज़ अ लॉट चीपर देन ट्रांसपोर्टिंग कोल। कोल को लाने जाने में ज़्यादा महंगा पड़ता है, गैस को सस्ता। इससे लोकल पॉल्यूशन प्रॉब्लम सॉल्व हो पाएंगी, ग्रेटर एफिशिएंसी है इसकी कन्वेंशनल कोल बर्निंग से, क्योंकि ये गैसेस को 2 बार इफेक्टिवली यूज़ करती है। कोल गैसेस को तो देखिए पहले क्लीन करना होता है इम्प्योरिटी से, देन उनको टर्बाइन में फायर करनी पड़ती है ताकि इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो। जो एग्जॉस्ट हीट होती है गैस टर्बाइन से, फिर वो कैप्चर की जाती है एंड उससे स्टीम को जनरेट किया जाता है फॉर अ स्टीम टर्बाइन जनरेटर। नाउ कंसर्न्स एंड चैलेंजेस क्या हैं? कोल गैसिफिकेशन वाटर इंटेंसिव फॉर्म है एनर्जी प्रोडक्शन का। कंसर्न्स हैं वाटर कंटामिनेशन को लेकर, लैंड सब्सिस्टेंस को लेकर एंड डिस्पोजिंग को लेके ऑफ वेस्ट वाटर सेफली। अंडरग्राउंड कोल गैसिफिकेशन क्या है? ये जो प्रोसेस है इट इन्वॉल्व्स पंपिंग ऑक्सीजन एंड स्टीम थ्रू अ स्मॉल बोर होल इनटू द कोल सीम, ताकि स्मॉल एंड कंट्रोल्ड कंबशन प्रोड्यूस हो सके। कोल बेड मीथेन की तरह ना होके यहाँ पर जो एक्चुअल कोल है वो कन्वर्ट किया जाएगा। एक्चुअल कोल इज़ कन्वर्टेड फ्रॉम अ सॉलिड स्टेट इंटू गैस। हाइड्रोजन, मीथेन, कार्बन मोनोक्साइड एंड CO2 आर देन सिफॉन्ड ऑफ थ्रू अ सेकेंड बोर होल। नाउ हाउ PM मोदीज 450 GW पावर प्लान कैन चेंज द इंडियन इकोनॉमी? ग्लोबल क्लाइमेट समिट में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने एक पाथ ब्रेकिंग प्लेज दी कि वो मोर देन डबल इंडियाज फॉसिल फ्यूल टारगेट टू 450 GW। तो क्लाइमेट एक्शन समिट है क्या? क्लाइमेट एक्शन समिट इसीलिए होता है ताकि जो पेरिस एग्रीमेंट 2015 में साइन किया गया था उसके एक्शन को बूस्ट किया जा सके। यहाँ पे ग्लोबल रिस्पॉन्स को मजबूत करने की कोशिश की जाती है कि क्लाइमेट चेंज को खतरा है एंड हमें जो ग्लोबल टेम्परेचर राइज है वो 2 डिग्री सेल्सियस से नीचे ही रखना है, अबव प्री इंडस्ट्रियल लेवल्स। एंड वेल देखिए राइज, मैं आपको इसको, क्योंकि हम कई बार पढ़ चुके हैं
तो आप आज आप इसको ध्यान रखिएगा कि कीप बाय कीपिंग अ ग्लोबल टेम्परेचर राइज दिस सेंचुरी, इस सेंचुरी में जो हमें ग्लोबल टेम्परेचर राइज है वो कहाँ तक रखना है, बिलो 2 डिग्री सेल्सियस, अबव प्री इंडस्ट्रियल लेवल्स। एंड ये एफर्ट्स लगाने हैं कि ये हम और भी कम कर सकें और 1.5 डिग्री सेल्सियस तक ला सकें। नाउ इंक्रीजिंग द शेयर ऑफ नॉन फॉसिल फ्यूल्स इन इंडियाज़ फ्यूल मिक्स टू 450 गीगावाट्स कैन ट्रांसफॉर्म कंट्रीज इकोनॉमी इन 3 वेज। इससे एक तो जो इंडिया की डिपेंडेंस है कोल पर वो कम होगी, क्योंकि फॉसिल फ्यूल 60% कार्बन एमिशंस करते हैं। इंडिया एक ग्लोबल लीडर बन सकेगा न्यू कॉस्ट इफेक्टिव सोलर टेक्नोलॉजीज के अंदर, चाइना को हम बीट कर पाएंगे, चीपर सोलर फोटोवोल्टिक एंड अदर इक्विपमेंट को मैन्युफैक्चर कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी बढ़ेगी इंडिया के अंदर। ज़रूरत क्या है, इंडिया को ग्रीन टेक्नोलॉजी पे फोकस करना होगा, ठीक है, रिसर्च करनी होगी, प्रीमियर इंस्टीट्यूट्स हैं जैसे कि IISc है बेंगलुरु के अंदर, IITs हैं। देन इंडिया को स्किल ट्रेनिंग प्रोवाइड करनी होगी यूथ को, ताकि जो न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी मिनिस्ट्री के अकॉर्डिंग 10 मिलियन जॉब्स क्रिएट करनी होगी 2022 तक, ताकि जो इंडिया का टारगेट ईयर है 175 गीगावाट ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी अंडर द पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट वो अचीव हो पाए। गवर्नमेंट को क्या करना होगा, एनर्जी एंड एनवायरनमेंट पॉलिसी को इंटीग्रेट करना होगा, एनर्जी एंड एनवायरनमेंट सिक्योरिटी एक्ट पास करना होगा, डीकार्बनाइजेशन करनी होगी, डिमांड मैनेजमेंट एंड एफिशिएंसी ये वॉचवर्ड्स होने चाहिए, एक्सप्लोरेशन को इंटेंसिफाई करना होगा, नेचुरल गैस यूसेज को इंक्रीज करना होगा। ठीक है, नाउ वी विल रीड अबाउट समुद्रयान प्रोजेक्ट। तो इंडिया जो है वो डीप ओशियन माइनिंग के लिए समुद्रयान प्रोजेक्ट सामने लेकर आया है। ये एक पायलट प्रोजेक्ट है मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस का, ठीक है। तो ऐसे साइंसेस एंड ऐसे समुद्रयान, ध्यान रखिएगा, रेयर मिनरल्स के लिए फॉर डीप ओशियन माइनिंग। इसका एम यही है कि मैन को डीप सी में भेजा जाए इन सबमर्सिबल व्हीकल फॉर ओशियन स्टडीज़। ये प्रोजेक्ट जो है वो रियलिटी 2021-2022 तक ही बन पाएगा। इस प्रोजेक्ट को नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियन टेक्नोलॉजी अंडरटेक करेगा। अगर ये सक्सेसफुल होगा तो इंडिया उन डेवलप्ड नेशंस की कैटेगरी में आ जाएगा विच आर इन द एक्सप्लोरेशन ऑफ मिनरल्स फ्रॉम ओशियंस। एंड इंडिया पहली ऐसी डेवलपिंग कंट्री है जो ये प्रोजेक्ट अंडरटेक करने जा रहा है। तो मिनिस्ट्री अर्थ साइंसेज का प्रोजेक्ट है, अंडरटेक कौन करेगा, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियन टेक्नोलॉजी। PMN होते क्या हैं, पॉली मेटेलिक नोड्यूल्स, जिन्हें मैंगनीज नोड्यूल्स भी कहते हैं, पोटैटो शेप्ड होते हैं, पोरस नोड्यूल्स हैं जो कि अबंडेंस में पाए जाते हैं सी फ्लोर के अंदर। मैंगनीज एंड आयरन के अलावा वहाँ पर निकल, कोपर, कोबाल्ट, लेड, मोलिब्डेनम, कैडमियम, वेनेडियम, टिटेनियम, ये सब हैं। पोटेंशियल क्या है, 10% जो रिकवरी है ऑफ दैट लार्ज रिजर्व वो एनर्जी रिक्वायरमेंट अगले 100 साल की भी पूरी कर सकती है। एंड जो 380 मिलियन मेट्रिक टन होंगे पॉलीमेटेलिक नोड्यूल्स के, वो अवेलेबल है एट द बॉटम ऑफ सीज इन द सेंट्रल इंडियन ओशियन। नाउ HOG टेक्नोलॉजी दैट इज़ हेड ऑन जनरेशन। तो रेलवे मिनिस्ट्री जो है वो अपग्रेड करने जा रही है सभी एग्जिस्टिंग लिंकिंग हॉफमैन बस कोचेस को विद द हेड ऑन जनरेशन टेक्नोलॉजी। इससे जो ट्रेन होंगी वो ज़्यादा कॉस्ट एफिशेंट एंड लेस पॉल्यूटिंग बनेंगी। HOG का बेनिफिट क्या है ओवर EOG, तो देखिए जो HOG फिटेड ट्रेन्स होती हैं उनको पावर नहीं चाहिए डीजल जनरेटर से, एंड बल्कि उनको सिर्फ एक ही इमरजेंसी जनरेटर चाहिए, 2 रेगुलर जनरेटर कार्स नहीं चाहिए। जो एक्स्ट्रा स्पेस है उसे आप सेकेंड लगेज, गार्ड, दिव्यांग कंपार्टमेंट की तरह यूज़ कर सकते हैं, मीन्स ज़्यादा पैसेंजर्स एकोमोडेट हो पाएंगे, कॉस्ट सेविंग्स ज़रूर हो पाएंगी, फ्री ऑफ एयर एंड नॉइस पॉल्यूशन है क्योंकि इससे CO2 भी NO2 भी ये करंट कम हो पाएगा। जो रिडक्शन होगी एमिशंस में उससे जो रेलवे है उसको कार्बन क्रेडिट भी मिलेंगे, नॉइस एमिटर जनरेटर्स चले जाएंगे तो नॉइस पॉल्यूशन भी रुक जाएगा। हेड ऑन जनरेशन टेक्नोलॉजी क्या है, ये जो सिस्टम है ये रन करती है ट्रेन के होटल लोड को, द लोड ऑफ एयर कंडीशनिंग, लाइट्स, फैंस, पेंट्रीज। इसमें जो लाइट होती, इलेक्ट्रिसिटी होती है वो ओवरहेड इलेक्ट्रिक लाइन से आती है थ्रू द पेंटोग्राफ। जो पावर सप्लाई होती है ओवरहेड केबल से वो 750 वोल्ट्स होती है एट अ सिंगल फेज, एंड अ ट्रांसफॉर्मर विद अ वाइंडिंग ऑफ 945 KVA जिस जो कन्वर्ट कर पाएगा 750 वोल्ट्स 50 हर्ट्स तक आउटपुट एट थर्ड फेज। तो थोड़े डाटाज हैं ये आपको लर्न करने होंगे। EOG टेक्नोलॉजी से कैसे डिफरेंट है,
जो आपकी एंड ऑन जनरेशन सिस्टम होता है उसके अंदर जो ट्रेन का होटल लोड होता है वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी को दो लार्ज डीजल जनरेटर सेटर्स चाहिए एंड जो कि सप्लाई करते हैं 3 फेज पावर एट 750 वोल्ट्स 50 हर्ट्स, ताकि पूरी जो लेंथ है ट्रेन की वो कवर हो पाए। हर कोच जो होता है वो पावर सप्लाई लेता है 60 KVA ट्रांसफार्मर से एंड इट विल ब्रिंग डाउन द वोल्टेज टू 110 वोल्ट्स एट द लेवल ऑफ इक्विपमेंट। नाउ वी विल रीड अबाउट HTPM टेक्नोलॉजी, दैट इज़ हाई टेम्परेचर प्रोटोन एक्सचेंज मेम्ब्रेन। तो इंडिया का पहला इंडिजीनियसली डेवलप्ड हाई टेम्परेचर बेस्ड फ्यूल सेल सिस्टम रिसेंटली इंट्रोड्यूस हो गया है। ये 5 KW फ्यूल सेल सिस्टम है जो कि पावर को जनरेट करता है इन अ ग्रीन मैनर। जो डेवलप्ड फ्यूल सेल्स हैं वो बेस्ड हैं HTPM टेक्नोलॉजी पर, दैट इज़ हाई टेम्परेचर प्रोटोन एक्सचेंज मेम्ब्रेन। की इफेक्ट्स क्या है? ये डेवलप हुआ है अंडर द पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल बाय द काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। बिल्ट हुआ है अंडर द इंडियाज़ फ्लैगशिप प्रोग्राम जिसका नाम है NMITLI, दैट इज़ न्यू मिलेनियम इंडिया टेक्नोलॉजी लीडरशिप इनिशिएटिव। कैसे काम करता है? ये मिथानोल बायोमिथेन लेता है एज द इनपुट एंड हीट एंड वाटर को प्रोड्यूस करता है एज बाय प्रोडक्ट्स जिसको फर्दर यूज़ किया जा सकता है। तो एफिशिएंसी अचीव होगी 70% से भी ज़्यादा। एप्लीकेशंस क्या हैं? ये सूटेबल है फॉर डिस्ट्रीब्यूटेड स्टेशनरी पावर एप्लीकेशन, जैसे छोटे छोटे ऑफिसर्स, कॉमर्शियल यूनिट्स, डाटा सेंटर्स, जहाँ पे हाईली रिलायबल पावर ज़रूरी होती है विद साइमल्टेनियस रिक्वायरमेंट फॉर एयर कंडीशनिंग। इससे जो रिक्वायरमेंट है एफिशिएंट, क्लीन एंड रिलायबल बैकअप पावर की, जनरेटर की फॉर टेलीकॉम टावर्स, वो भी कंप्लीट हो पाएगी। एंड इट रिप्लेस द डीजल जनरेटर सेट्स एंड हेल्प रिड्यूस इंडियाज़ डिपेंडेंस ऑन क्रूड ऑयल। HTPM टेक्नोलॉजी, दैट इज़ हाई टेम्परेचर प्रोटोन एक्सचेंज मेम्ब्रेन, इट इज़ द कोर ऑफ द फ्यूल्स रनिंग अबव 150 डिग्री सेल्सियस। क्लासिक PEM फ्यूल सेल्स टेक्नोलॉजी के अंदर जो हाइड्रोजन है वो इलेक्ट्रोकेमिकली स्प्लिट होता है टू प्रोटोन एंड इलेक्ट्रॉन ऑन एनोड। प्रोटोन को ट्रांसपोर्ट किया जाता है थ्रू मेम्ब्रेन टू कैथोड, जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी यील्ड होती है। कैथोड के अंदर जो प्रोटोन होते हैं वो कंबाइन होते हैं इलेक्ट्रॉन से एंड रिएक्ट करते हैं ऑक्सीजन टू वाटर एंड हीट। तो ये आपका साइंस एंड टेक में आ सकता है। द टेक्नोलॉजी से 90% ये उम्मीद की जा रही है कंबाइंड यील्ड हो पाएगी इलेक्ट्रिसिटी की एंड हीट की। इसका सिग्निफिकेंस यही है कि सिंपल है एंड कॉस्ट फ्यूल इफेक्टिव है। एंड जो PEM है, दैट इज़ पॉलीमर इलेक्ट्रोलाइट मेम्ब्रेन, इसका जो ऑपरेशन होती है फ्यूल सेल्स की एट टेम्परेचर अबव 150 डिग्री सेल्सियस, तो इससे ये एडवांटेजेस मिलती है हाई CO टॉलरेंस, कोई ह्यूमिफाइड गैसेस की ज़रूरत नहीं होती, हाई पावर टू वॉल्यूम रेशियो, रिड्यूस्ड कॉम्प्लेक्सिटी एंड लो कॉस्ट। न्यू मिलेनियम इंडियन टेक्नोलॉजी लीडरशिप इनिशिएटिव क्या है? ये एक पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप एफर्ट है रिसर्च एंड डेवलपमेंट डोमेन के साथ। इससे इनोवेशन सेंटर, साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट्स होंगी। बेस्ट कॉम्पिटेंसीज को अचीव करेगा रिसर्च एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूशंस में, अकेडमिया में एंड प्राइवेट टेक इंडस्ट्री के अंदर। नाउ वी विल रीड अबाउट एस्टेरॉयड इम्पैक्ट डिफ्लेक्शन असेसमेंट। तो नासा ने एंड ESA ने, नासा नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, ESA यूरोपियन स्पेस एजेंसी, एस्टेरॉयड रिसर्चर्स और स्पेस क्राफ्ट इंजीनियर्स, वो सब इकट्ठे आ गए हैं ये देखने के लिए अपने मिशन को, दैट इज़ एस्टेरॉयड इम्पैक्ट डिफ्लेक्शन असेसमेंट। जो आपका एडा है, दैट इज़ एस्ट्रॉयड इम्पैक्ट डिफ्लेक्शन असेसमेंट, ये एक जॉइंट रिसर्च मिशन था नासा का एंड ESA टीम्स दोनों का। ये देखना चाहते हैं कि क्या वायबिलिटी है ऑफ डाइवर्टिंग एन एस्ट्रॉयड बाई क्रैशिंग अ स्पेस क्राफ्ट इन टू इट्स सरफेस। तो ये आप देख सकते हैं, ये आपका स्पेस क्राफ्ट है, ये आपका स्पेस क्राफ्ट है एंड ये आपका डिडीमोस बी है, ये आपका डिडीमोस ए है, ये आपका ओरिजिनल ऑर्बिट था एंड अब भी अपना नया ऑर्बिट बना लेगा, ठीक है। तो ये इसका कुछ इफेक्ट है। तो ये देखिए, ये जो प्रोजेक्ट है इसका एम यही है कि जो ऑर्बिट है वन ऑफ द टू डिडीमोस एस्ट्रॉयड्स, ये डिडीमोस ए है, ये डिडीमोस बी है एंड इनका जो अर्थ और मार्स के बीच में जो होते हैं, इन जो ये एस्ट्रॉयड्स होते हैं इनका जो ऑर्बिट है, वैसे देखिए आपका
जो यहाँ पे हमें जो ध्यान रखने वाली बात है वो ये ध्यान रखिएगा, हो सकता है हमें ऑप्शंस में दूसरा दिया जाए, क्योंकि जब हम बुक के अंदर पढ़ते हैं तब हमारे जो एस्ट्रॉयड्स होते हैं वो जुपिटर और मार्स के बीच में शायद मिलते हैं, तो ये ध्यान रखिएगा ये बिटवीन अर्थ एंड मार्स हैं, टू डिडीमोस एस्ट्रॉयड्स, एंड इनको डिफ्लेक्ट करना है इनके ऑर्बिट को, ठीक है। तो ये है आपका टॉपिक। नाउ चंद्रयान टू, जो स्टेटस है चंद्रयान टू का, इज अननोन आर्स आफ्टर चंद्रयान टू लैंडर विक्रम बिगेन फाइनल डिसेंट टुवर्ड्स द मून एंड कॉन्टैक्ट लूज हो गया था अराउंड 2.1 किलोमीटर फ्रॉम द लूनर सरफेस। तो ये आपको पता है कि हार्ड लैंडिंग हुई थी। नाउ व्हाट इज सॉफ्ट लैंडिंग एंड वो कैसे हो सकती थी, चैलेंजेस क्या है? सॉफ्ट लैंडिंग होती तो उससे जो ऑब्जेक्ट है वो प्रोटेक्ट हो पाता, जबकि हार्ड लैंडिंग से नहीं। तो सॉफ्ट लैंडिंग ये इंश्योर करती है कि ऑब्जेक्ट जो है वो फर्दर एक्सपेरिमेंटेशन कर पाता टारगेट प्लानिंग प्लैनेट पर या सेटेलाइट पर रोवर व्हीकल के साथ। जो सॉफ्ट लैंडिंग होती है वो कॉम्प्लिकेटेड है। विक्रम के अंदर 5 थ्रस्टर्स थे, 4 थे कॉर्नर्स पे, 1 था सेंटर पे, एंड रिक्वायर्ड वेलोसिटी मेंटेन करना विद सच थ्रस्टर्स इज़ डिफ़िकल्ट, क्योंकि फाइन बैलेंस उनके बीच में होना ज़रूरी था। लेकिन फिर भी इशू है मून डस्ट का, विच कुड रैक द इंजन्स ऑफ द थ्रस्टर्स। तो ये आप देख सकते हैं, ये आपका अर्थ है एंड ये अर्थ से आपका जो सेटेलाइट है वो छोड़ी गई थी। देन ये देखिए, ये आपका ऐसे घूमी है फिर स्पेस के अंदर जाके इसने जो रॉकेट है उसको छोड़ दिया, एंड जो सेटेलाइट है वो ये देखिए आपकी ऐसे जा रही है एंड फिर इंसर्ट कर गई लूनर के ऑर्बिट पे, फिर अर्थ के ऑर्बिट पर इस तरीके से ऐसे गई थी। तो व्हाट वाज सपोज टू हैपन, सितंबर 7 को जो विक्रम लैंडर था वो सीरीज ऑफ कॉम्प्लेक्स मैनोवर्स शो कर रहा था इमेजिंग द लैंडिंग साइट। विक्रम वाज सपोज टू बिगिन इट्स डिसेंट फ्रॉम अ हाइट ऑफ 35 किलोमीटर अबव द लूनर सरफेस, एंड जो इसकी वेलोसिटी थी वो अराउंड 6,000 किलोमीटर पर आर थी। नाउ सिर्फ 10 मिनट के अंदर ये जो विक्रम लैंडर था वो ड्रॉप हो गया, हैड टू ड्रॉप एट अ हाइट ऑफ 7.4 किलोमीटर अबव द मून एल्टीट्यूड, एंड स्पीड जो थी वो कम करनी थी टू अराउंड 526 किलोमीटर पर आर। इसके बाद जो लैंडर था उसको अपनी और स्पीड कम करनी थी 331.2 पर, एंड 5 किलोमीटर की हाइट तक पहुंच जाना था। जब 100 मीटर ऊपर होना था लूनर सरफेस के, तो जो लैंडर विक्रम जो लैंडर था उनको 25 सेकेंड्स के लिए होवर फॉर अबाउट 25 सेकेंड्स, ड्यूरिंग विच इट वॉज सपोज टू चूज बिटवीन टू प्री डिटरमाइंड लैंडिंग साइट्स, एंड लैंडिंग के 4 घंटे बाद जो प्रज्ञान रोवर था वो अनलोडेड हो जाता विक्रम लैंडर से। साउथ पोल हमने क्यों चूज़ किया था, क्योंकि साउथ पोल के अंदर सनलाइट नहीं आई है काफ़ी बिलियन ऑफ ईयर से, एंड कोल्डेस्ट स्पॉट्स है सोलर सिस्टम का। तो इसरो ने कहा था कि जो लूनर साउथ पोल रीजन है इट राइट टू कंटेन टन्स ऑफ वाटर एंड अनडिस्टर्ब रिकॉर्ड होगा ये सोलर सिस्टम ऑरिजिन का। नाउ वी विल रीड अबाउट लूनर रिकॉनेसेंस ऑर्बिटर। तो ISRO जो है वो देखना चाहते हैं कि चंद्रयान टू के विक्रम के साथ क्या हुआ नासा के लूनर रिकॉनेसेंस ऑर्बिटर से। तो ये नासा का मिशन है टू द मून, ठीक है, ध्यान रखिएगा LRO जो है वो नासा का मिशन है टू द मून विद लूनर प्रिकर्सर एंड रोबोटिक प्रोग्राम, जो कि प्रिपेयर कर जा किया जा रहा है टू फ्यूचर मैन मिशन टू द मून एंड बियॉन्ड मार्स। LRO फर्स्ट मिशन होगा नासा न्यू स्पेस फॉर स्पेस एक्सप्लोरेशन, आइडेंटिफाई करने हैं लूनर रिसोर्सेज, डिटेल मैप्स लेनी है, लूनर सरफेस की डाटा कलेक्ट करना है, स्टडी करना है मून के पोलर रीजन्स को, एंड मेजरमेंट्स प्रोवाइड करनी है। तो ये देखिए, ये भी हम ऑलरेडी कर चुके हैं तो अब दोबारा हम नहीं करते, इसको छोड़ देते हैं। नाउ ह्यूमन स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम, तो ISRO DRDO ने दोनों ने मिलकर, ठीक है, एक MOU साइन किया है ताकि वो क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज को दे सकें फॉर ह्यूमन स्पेस मिशन, ठीक है। तो इसके अंदर बस आप यही ध्यान रखिएगा, एंड ये ध्यान रखिए जो ह्यूमन स्पेस मिशन है वो 75th एनिवर्सरी इंडिया इंडिपेंडेंस 2022 में ISRO गगनयान भी लॉन्च करेगा। ऑब्जेक्टिव यही है, साइंस एंड टेक को इन्हेंस करना, यूथ को इंस्पायर करना, टेक्नोलॉजी को डेवलप करना, इंडस्ट्री को इससे बूस्ट मिलता है, एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होती है, टेक्नोलॉजी डेवलप होती है, इस रिसर्च एंड डेवलपमेंट होती है, मोटिवेशन, प्रेस्टीज। इंडिया ऐसी चौथी कंट्री बनेगी जिसका ह्यूमन स्पेस मिशन लॉन्च करने जाएगा।
L1 मिशन, तो ये भी ISRO का ही है। आदित्य L1 मिशन लॉन्च करने जा रहे हैं सन को पढ़ने के लिए अर्ली इन 2020। ये इंडिया का पहला सोलर मिशन है। सन की जो आउटर मोस्ट लेयर्स हैं, जो कोरोना है, जो क्रोमोस्फियर्स हैं, उनके बारे में डाटा कलेक्ट किया जाएगा। जो डाटा होगा आदित्य मिशन से जो मिलेगा वो हेल्पफुल रहेगा डिस्क्रिमिनेट करने में बिटवीन द डिफरेंट मॉडल्स फॉर द ऑरिजिन ऑफ सोलर स्टॉर्म्स एंड ऑल। इसकी पोजीशन ऑफ सैटेलाइट बेस्ट साइंस लेने के लिए अब फ्रॉम द सन कंटिन्यूअस व्यूइंग ऑफ द सन इज प्रिफर्ड बिना किसी ऑकल्टेशन या एक्लिप्सिस के। तो आदित्य L1 सैटेलाइट को प्लेस किया जाएगा इन द हेलो ऑर्बिट अराउंड द लैग्रेंजियन पॉइंट L1 ऑफ द सन अर्थ सिस्टम। लैग्रेंजियन पॉइंट्स क्या हैं, हेलो ऑर्बिट क्या है? तो लैग्रेंजियन पॉइंट्स वो लोकेशंस होती हैं स्पेस में जहाँ पे कंबाइंड ग्रेविटेशनल पुल होता है टू लार्ज मासेस का एंड दे रफली बैलेंस ईच अदर। ठीक है, तो ये आप बस मेन पॉइंट यही ध्यान रखें कि ISRO का है। नाउ मिथेन पावर्ड रॉकेट इंजन, अगेन ISRO ने ही ये डेवलप किया है। LOX मिथेन इंजन्स, दैट इज़ लिक्विड ऑक्सीजन ऑक्सीडाइजर एंड मिथेन फ्यूल इंजन्स। मिथेन, मिथेन क्या होता है? जो वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड से सिंथेसाइज किया जाए, स्पेस फ्यूल है ये फीचर का, जो अनसिमेट्रिकल डाई मिथाइल हाइड्रेजाइन है अलॉन्ग विद नाइट्रोजन टेट्रोक्साइड फॉर ऑक्सीडाइजर ये यूज़ करता है अभी ISRO। ये हाईली टॉक्सिक है एंड कैंसर भी इससे होता है। वेयर एज मिथेन नॉन टॉक्सिक होने के साथ साथ हायर स्पेसिफिक इम्पल्स है इसके अंदर, ईजी है स्टोर करने के लिए, कोई रेजिड्यू नहीं छोड़ता अपॉन बर्डिंग। प्रोजेक्ट नेत्र हम ऑलरेडी कर चुके हैं, ISRO ने ही स्टार्ट किया है। ठीक है, इसके अंदर कनेक्टेड रेडार्स, टेलीस्कोप्स, डाटा प्रोसेसिंग यूनिट्स, कंट्रोल सेंटर, ये सब देखा जाएगा। स्पॉट ट्रैक एंड देखा जाएगा कैटलॉग ऑब्जेक्ट्स को एज स्मॉल एज 10 सेंटीमीटर्स एंड अप टू अ रेंज ऑफ 3400 किलोमीटर एंड इक्वल टू अ स्पेस ऑर्बिट ऑफ अराउंड 2000 किलोमीटर। तो ISRO ने स्टार्ट किया है प्रोजेक्ट नेत्र। एक अर्ली वार्निंग सिस्टम है डेब्रिस को डिटेक्ट करने का एंड दूसरे हैजार्ड्स को। तो ये प्रोजेक्ट जो है वो इंडिया को कैपेबिलिटी देता है इन स्पेस सिचुएशनल अवेयरनेस लाइक द अदर स्पेस पावर्स, थ्रेट्स देखे जा सकते हैं फ्रॉम डेब्रिस। नेत्र का जो इवेंचुअल गोल है वो यही है, GEO को कैप्चर करना एट द हाइट ऑफ 36,000 किलोमीटर। नाउ करंटली 15 फंक्शनल इंडियन कम्युनिकेशन सेटेलाइट्स हैं जियो स्टेशनरी ऑर्बिट के अंदर ऑफ 36,000 किलोमीटर। 13 जो है वो अप टू 2,000 किलोमीटर हैं एंड 8 जो है वो मीडियम अर्थ ऑर्बिट्स के अंदर हैं। ओके, नाउ वी विल रीड अबाउट नेशनल जेनोमिक ग्रिड। तो गवर्नमेंट ने नेशनल जेनोमिक ग्रिड अनाउंस कर दी है। ये क्या है? ये जेनोमिक डाटा को स्टडी करेगी ऑफ कैंसर पेशेंट्स, सैंपल्स कलेक्ट करेगी कैंसर पेशेंट से एक नेटवर्क बना के ऑफ पैन इंडिया कलेक्शन सेंटर्स। ये जो ग्रिड है ये फॉर्म की जाएगी विद विल बी इन लाइन विद द नेशनल कैंसर टिश्यू बायोबैंक जो कि IIT मद्रास में सेटअप है। तो नेशनल कैंसर टिश्यू बायोबैंक एक जॉइंट इनिशिएटिव है डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एंड IIT मद्रास का। तो सैंपल्स कलेक्ट किए जाएंगे फ्रॉम द पेशेंट्स डायग्नोस्ड विद कैंसर। ठीक है, तो इसके अंदर आपको इतना ही ध्यान रखना है। नाउ ग्लोबल एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट हब, तो इंडिया ने इसे ज्वाइन कर लिया है। ये मई 2018 में लॉन्च किया गया था वर्ल्ड हेल्थ असेंबली के 71st सेशन के अंदर, फॉलोइंग अ कॉल फ्रॉम G20 लीडर्स इन 2017। 16 कंट्रीज इसकी मेंबर हैं, यूरोपियन कमीशन, 2 फिलेंथ्रॉपिक फाउंडेशंस हैं एंड 4 इंटरनेशनल ऑब्जर्वर्स हैं। ठीक है, ग्लोबल प्रायोरिटी इन सबको ये फोकस करता है। इस्टेब्लिश्ड इसका सेक्रेटेरिएट बर्लिन में है। फाइनेंस इसको मिलता है BMBF जर्मन की फेडरल मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एंड रिसर्च, फेडरल मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ से। ठीक है, नाउ एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस है क्या एंड ये कंसर्न की क्यों बात है? एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस एबिलिटी होती है माइक्रोब की उनकी मेडिकेशन के इफेक्ट से रेजिस्ट किया जाए। जो इमरजेंस है एंड जो स्प्रेड है एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंट का, इट कंटिन्यूज अनएबेटेड अराउंड द वर्ल्ड। मेडिकल कम्युनिटी क्यों वरिड है? क्योंकि एक तो देखिए वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन अफ्रेड है पोस्ट एंटीबायोटिक वर्ल्ड से, जहाँ पे लॉर्ड्स ऑफ बैक्टीरिया जो है वो सुपर बग्स बन गए हैं एंड ऑलरेडी जो इन्फेक्शन है TB से, गोनोरिया से, निमोनिया से, वो ही हार्डर हो रहे हैं टू ट्रीट विद टिपिकल एंटीबायोटिक्स। नाउ नीड ऑफ द आर क्या है? एक मल्टी स्टेक होल्डर अप्रोच चाहिए। प्राइवेट फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ को अपने आप डिस्ट्रीब्यूट करने होंगे ड्रग्स इन अ रिस्पॉन्सिबल मैनर। फिलेंथ्रॉपिक चैरिटीज़ को फंड करना होगा
डेवलपमेंट ऑफ न्यू एंटीबायोटिक्स, एंड ये जो स्टेक होल्डर्स हैं इन्हें अप्रिशिएट करना होगा कि रेजिस्टेंट को पोस्टपोन किया जाए इस थ्रू इम्प्रूवड हाइजीन एंड वैक्सीनेशंस. नाउ क्वांटम सुप्रीमेसी, तो गूगल रिसर्चर्स ने क्लेम किया है कि उन्होंने कंप्यूटर साइंस में क्वांटम सुप्रीमेसी अचीव कर ली है. क्वांटम सुप्रीमेसी मीन्स जब रिसर्चर जो है वो क्वांटम कंप्यूटर को यूज़ कर पाए एक सिंगल कैलकुलेशन के लिए, दैट नो कोई जो कोई कन्वेंशनल कंप्यूटर यहाँ तक कि बिगेस्ट सुपर कंप्यूटर भी रीजनेबल अमाउंट ऑफ टाइम के अंदर नहीं कर सकता. इसके अंदर ध्यान रखना कि जो रिसर्चर्स हैं वो एबल हो पाएंगे कि वो कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल कैलकुलेशंस को वर एबल टू यूज़ अ क्वांटम कंप्यूटर टू परफॉर्म दिस कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल कैलकुलेशंस इन 3 मिनट एंड 20 सेकेंड्स अकॉर्डिंग टू द पेपर. नाउ समिट 3 में IBM बिल्ट मशीन जो कि वर्ल्ड की मोस्ट पावरफुल कमर्शियली अवेलेबल कन्वेंशनल कंप्यूटर है, अबाउट 10,000 ईयर्स टू परफॉर्म द सेम टास्क. क्वांटम कंप्यूटर्स कैसे काम करते हैं, क्वांटम मैकेनिज्म की प्रॉपर्टीज़ को हार्नेस करके लॉजिकल यूनिट्स को यूज़ करते हैं जैसे क्वांटम बिट्स को, क्यूबिट्स को फॉर शॉर्ट. एंड डिफरेंस क्या है क्लासिकल एंड क्वांटम कंप्यूटर्स में, क्लासिकल कंप्यूटर्स बाइनरी फॉर्मेट में काम करते हैं बिट्स में 0 एंड 1 में. जो बिट्स होती हैं दे ऑल ऑपरेट इंडिपेंडेंटली फ्रॉम वन अनदर. एंड हाउ द रिजल्ट इज ऑब्टेन्ड, तो जो कन्वेंशनल कंप्यूटर है वो सेम आंसर देता है एवरी टाइम यू रन अ कैलकुलेशन. जो क्वांटम कंप्यूटर के आउटपुट होंगे वो प्रोबेबिलिस्टिक होंगे, इसका मतलब ज़रूरी नहीं है कि सेम ही आंसर हर बार आए. तो क्वांटम कंप्यूटर को यूज़ करने के लिए आपको कैलकुलेशन करनी होगी थ्रू द सिस्टम थाउजेंड्स और इवन मिलियन ऑफ टाइम्स. तो देख लीजिएगा, बस थोड़ा ये ध्यान रखिएगा क्वांटम कंप्यूटर नाम की कोई चीज़ आई है. देन यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन UNCCD, तो जो 14th जो मीटिंग थी वो न्यू दिल्ली के अंदर हुई एंड इंडिया ने प्रेसिडेंसी ली इसकी फ्रॉम चाइना. 1994 में ये बना था. ये सोल लीगल बाइंडिंग है इंटरनेशनल एग्रीमेंट जो कि लिंक करता है एनवायरमेंटल एंड डेवलपमेंट को टू सस्टेनेबल लैंड मैनेजमेंट. सिर्फ यही एक कन्वेंशन है जो कि रियो कॉन्फ्रेंस एजेंडा 21 को स्टेम मीन्स मान रहा है. एंड 2006 जो है वो ईयर डिक्लेयर हुआ इंटरनेशनल ईयर ऑफ डेजर्ट्स एंड डेजर्टिफिकेशन. तो 197 पार्टी हैं इसके अंदर, ये ध्यान रखिएगा. एरिड, सेमी एरिड, ड्राई, हम ड्राई सब ह्यूमिड एरिड एरियाज जिनको ड्राई लैंड्स कहा जाते हैं उन्हें ये फोकस करते हैं. एंड मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज जो है वो इसकी नोडल मिनिस्ट्री है. नीड ऑफ द अर्थ यही है कि रिस्पॉन्सिबल लैंड गवर्नेंस चाहिए एंड एक एम्बिशियस रिजोल्यूशन लेना होगा लैंड टेन्योर का भी फॉर लैंड डिग्रेडेशन न्यूट्रैलिटी. नाउ वी विल रीड अबाउट सिंगल यूज़ प्लास्टिक बैन. तो 2 अक्टूबर 2019 से सिंगल यूज़ प्लास्टिक जो है वो बैन कर दी गई है इंडिया में. ठीक है, 9 रीज़न है. फॉसिल फ्यूल से बनती है, ह्यूज कार्बन फुटप्रिंट है, विल स्टिल बी हियर, हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स तक भी यहीं रहेगी. 15% ही रिसाइकल हो सकता है. इससे जो टॉक्सिन्स हैं वो लीच होते हैं, हार्मोन डिसरप्शन कैंसर होता है, हमारे ओशियंस को ये पोल्यूट करते हैं, मैराइन एनिमल्स को मारते हैं, फूड चेन को भी एंटर कर जाते हैं. तो एक ऐसा प्लास्टिक जो कि डिस्पोजेबल हो, यूज्ड वंस, उसको थ्रो अवे करना एंड रिसाइकल करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. सिंगल यूज़ प्लास्टिक के अंदर प्लास्टिक बैग, वाटर बॉटल, सोडा बॉटल, स्ट्रॉज, प्लास्टिक प्लेट, कप, फूड पैकेजिंग एंड कॉफ़ी स्टीरर्स भी आते हैं. क्यों बैन किया गया है, क्योंकि प्लास्टिक पॉल्यूशन, प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट एक फोकल पॉइंट है वरी का. मिलियंस ऑफ टन्स ऑफ प्लास्टिक हर साल प्रोड्यूस होता है जो कि नॉन बायोडिग्रेडेबल है. इंडिया के एफर्ट्स क्या है, इंडिया को बीट करना है प्लास्टिक पॉल्यूशन को एंड एलिमिनेट करना है सिंगल यूज़ प्लास्टिक बाय 2022. चैलेंजेस आगे क्या रहेंगे, जो प्लास्टिक है उससे ह्यूमन हम जो है काफ़ी डिपेंडेंट हो गए हैं. PWM रूल्स अमेंडमेंट 2018 भी है. ठीक है, वेस्ट प्लास्टिक जो होता है वो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से आ जाता है तो उसको वो अनएड्रेस्ड है. फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स सेक्टर काफ़ी यूज़ करते हैं, एडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है. नाउ सरदार सरोवर डैम, तो ये आप देख लीजिए, सरदार सरोवर डैम जो कि मध्य प्रदेश में है. ठीक है, देन आपका गुजरात में इज नॉट कन्विंस्ड, जो आउस्टीज है डिस्प्लेस्ड इन मध्य प्रदेश ड्यू टू द बैक वाटर्स ऑफ द सरदार सरोवर डैम इन गुजरात आर नॉट कन्विंस्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश प्रोमिसज टू हेल्प दैम इवन एज दे स्टेयर एट कंटिन्यूअल डिस्प्लेसमेंट. तो ये आप देख सकते हैं, नर्मदा रिवर पर है आपका ये सरदार सरोवर डैम एंड ये आपका गुजरात है, ये राजस्थान है, ये मध्य प्रदेश है, ये नीचे आपका महाराष्ट्र है.
तो ये आपका इस तरीके से है, एंड ये जॉइंट कैपेसिटीज़ की 1450 मेगावाट है, जो पावर है वो शेयर करते हैं, ये ध्यान रखिएगा, MMG, ठीक है। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात 57:27:16 के अंदर। जो हाइट है डैम की वो 2017 में 138.68 कर दी थी, जो वाटर लेवल है डैम का वो 136.04 मीटर पहुंच गया 9 सितंबर 2019 को भारी बारिश की वजह से, एंड डैम जो है वो फिल्ड है विथ फुल रिजर्वर लेवल बाय अक्टूबर 15। इश्यूज़ क्या है, कॉम्पनसेशन अमाउंट देना पड़ेगा, आइलैंड्स को फॉर्म करना होगा, इन एडिक्वेट नंबर ऑफ प्लॉट्स एंड रिहेबिलिटेशन साइट्स हैं, लेवलिंग करनी होगी प्लांट की, लोग जो हैं वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इन्वॉल्व हैं, राइट है फिशिंग कम्युनिटी की, आउस्टीज जो हैं वो सेटल्ड है इन गुजरात, फार्मर्स का इशू है जो कि अपना लैंड लॉस्ट कर देंगे फॉर रिहैबिलिटेशन साइट्स। तो सरदार सरोवर प्रोजेक्ट ये नर्मदा वाटर डिस्प्यूट टर्मिनल में लिया गया था, एंड फाइनल अवार्ड विस अवेस गुजरात मध्य प्रदेश इन 1979। सेकेंड बिगेस्ट डैम है अगर कंक्रीट को ही देखा जाए, एंड थर्ड हाईएस्ट कंक्रीट डैम है, जो पावर जनरेट होती है वो 3 स्टेट्स में शेयर की जाती है, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र एंड गुजरात के अंदर। कंसर्न क्या है, जो वाटर लेवल है इन द सबमर्जेंस एरिया ऑफ द डैम इन बड़वानी एंड धार डिस्ट्रिक्ट वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। अभी मैं आपको दोबारा डायग्राम दिखाऊंगी। नर्मदा बचाओ आंदोलन ग्रुप के अकॉर्डिंग जो 40,000 फैमिलीज़ हैं 192 विलेजेस के अंदर मध्य प्रदेश में, वो डिस्प्लेस हो जाएंगी। वर्ल्ड बैंक के अकॉर्डिंग जो प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ था विद वेरी लिटल असेसमेंट ऑफ रीसेटलमेंट रिहेबिलिटेशन एंड एनवायरमेंट इम्पैक्ट। प्रोजेक्ट इम्पॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि जो अनयूज्ड वाटर है नर्मदा रिवर से वो सी में फ्लो होता है एंड काफ़ी सारे जो सर्व करता है काफ़ी ड्राई टाउन्स को, विलेजेस को एंड डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ गुजरात को। जो प्रोजेक्ट है वो 1 मिलियन पीपल को जॉब भी देता है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करता है, वाटर प्रोवाइड करता है इरिगेशन के लिए, फ्लड से भी प्रोटेक्शन देता है। क्या करने की ज़रूरत है, टास्क करना होगा रिहैबिलिटेशन एंड रीसेटलमेंट का, एक इंडिपेंडेंट रिव्यू लेना होगा, कंसिड्रेशन मतलब स्टडीज़ करनी होंगी कि सीजनेबल टेम्पोरल वेरिएशंस देखी जाए इन द क्लाइमेट एंड मैनी अदर इंपॉर्टेंट पैरामीटर, एनवायरमेंटल सेफगार्ड्स को ध्यान रखना होगा। अब आप डायग्राम को देखें दोबारा से, ठीक है। ये आपके देखिए, ये काफ़ी सारे डैम्स बनाए हुए हैं, ये आपका नर्मदा, ये आपका सरदार सरोवर डैम है, ये वाला आपका सरदार सरोवर डैम है, देन आपका करजम डैम, जय सिंध डैम, तो बहुत सारे आपको डैम यहाँ पर दिखाई देंगे, ठीक है। तो इससे जो यहाँ पे जो आसपास सिटीज़ हैं, बेतुल है, खांडवा है, भोपाल है, इंदौर है, वडोदरा है, ठीक है, तो उसमें तो ऐसा कोई जगह पर्टिकुलरली लिखी नहीं हुई है। नाउ फ्रेमवर्क फॉर द असेसमेंट ऑफ बेनिफिट्स ऑफ एक्शन, कॉस्ट ऑफ इन एक्शन फॉर ड्रॉट प्रिपेयरनेस रिपोर्ट। तो ये ध्यान रखिएगा, जो 14th आपकी COP हुई टू द UN कन्वेंशंस टू कॉम्बेट डेजर्टिफिकेशन, उसके अंदर ये फ्रेमवर्क भी रिलीज़ किया गया, एंड अब आपको सारी गुड पॉइंट्स हैं, ठीक है, तो इसको हम रहने देते हैं। ये ध्यान रखिए, ड्रॉट जो है वो 42% इंडिया के लैंड को अफेक्ट करते हैं, 6% एक्सेप्शनली ड्राई प्लेन है, 40% वल्नरेबल हैं। पॉलिटिकल इकोनॉमिक की कंडीशंस को देखना होगा, लैक ऑफ होलिस्टिक अप्रोच है, इम्पैक्ट्स को इवेल्युएट करना होगा, प्रॉपर एस्टिमेशन करना होगा, क्राइसिस मैनेजमेंट करना होगा। नाउ बेसल बैन अमेंडमेंट, तो 1995 बेसल बैन अमेंडमेंट जो कि एक वाटर डंपिंग प्रोहिबिशन है, वो एक इंटरनेशनल लॉ बन गया है, जब क्रोटिया ने भी, ये 97th कंट्री है जिसने इसको रेटिफाई किया 6 सितंबर 2019 को, तो ये नया आर्टिकल बन गया है इन द कन्वेंशन एंड विल एंटर इन टू द फोर्स एज द 97th कंट्री आफ्टर 90 डेज ऑन दिसंबर 5। तो 1995 बेसल बैन अमेंडमेंट, बेसल कन्वेंशन ने अडॉप्ट किया था 1995 पे, ताकि जो हैजार्डियस वेस्ट होते हैं उसके असर से बचा जा सके। ये जो अमेंडमेंट है ये प्रोहिबिट करती है एक्सपोर्ट करना हैजार्डियस वेस्ट का, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट का, फ्रॉम 29 वेल्दीएस्ट कंट्रीज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कॉपरेशन एंड डेवलपमेंट टू नॉन OECD कंट्रीज। बेसल कन्वेंशन बेसिकली दिस कंट्रोल ऑफ ट्रांस बाउंड्री मूवमेंट्स ऑफ हैजार्डियस वेस्ट एंड देयर डिस्पोजल। 22 मार्च 1989 को ये ओपन की गई थी, 5 मार्च 1992 को फोर्स में आई। पार्टीज 187 हैं, एक
इंटरनेशनल ट्रीटी है जो कि रिड्यूस करती है मूवमेंट ऑफ हैजार्डियस वेस्ट बिटवीन नेशंस, एंड ये रेडियो एक्टिव वेस्ट को एड्रेस नहीं करती। नाउ अ केस फॉर डिफरेंशियल ग्लोबल कार्बन टैक्स, तो ये ध्यान रखिएगा जो टोटल ग्लोबल एमिशंस हैं वो 45% तक हमें कम करने हैं 2010 तक, एंड ज़ीरो लेके आने हैं 2050 तक, एंड 45% कम करने हैं 2030 तक। अगर ये टारगेट्स अचीव नहीं हुए तो फिर हमें काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स हो जाएंगी। इशू क्या है, जो पर कैपिटा कार्बन एमिशंस हैं दे आर मच स्मॉलर इन कंपैरिजन टू द कंट्रीज इन द ग्लोबल नॉर्थ। तो ये तमिलनाडु के वाटर क्राइसिस में भी देखा गया, तो जो बर्डन है एडजस्टमेंट का वो तो इक्वल नहीं हो सकता। ग्लोबल शेयरिंग करनी होगी रिस्पॉन्सिबिलिटी की अमंग कंट्रीज अकॉर्डिंग टू देयर रिस्पेक्टिव शेयर्स। देन आपका है जस्ट एनर्जी ट्रांजिशन मॉडल, ये ज़रूरी है, बर्डन को शेयर करना होगा, कंट्रीज़ को कम से कम 1.5% GDP इन पर खर्च करना होगा। ग्राउंड वाटर क्राइसिस, तो ये ध्यान रखिएगा नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने एक कमेटी बनाई है कि देखिए कि इलीगल एक्सट्रैक्शन ना हो ग्राउंड वाटर की, फिर इसके बाद आपको देखना ही है कि ग्राउंड वाटर क्यों ज़रूरी होता है। इंडिया जो है वो लार्जेस्ट यूज़र है ग्राउंड वाटर का, 90% ड्रिंकिंग वाटर, 60-70% इरीगेशन वहीं से होती है। इंटरनेशनल डे ओजोन लेयर को प्रिजर्व करने के लिए वो हर साल सेलिब्रेट ऑब्जर्व की जाती है 16 सितंबर को। वर्ल्ड ओजोन डे 2019 की थीम थी 32 ईयर्स एंड हीलिंग। सिग्निफिकेंस क्या है, 1994 में UN जनरल असेंबली ने 16 सितंबर को इसे घोषित किया था एज इंटरनेशनल डे फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ ओजोन लेयर। एंड 1987 में जो आपका मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है ऑन सब्सटेंसेस दैट डिप्लीट द ओजोन लेयर, क्या जानने की ज़रूरत है, जो सन की अल्ट्रावायलेट लाइट है विच इज़ हार्मफुल टू ह्यूमन लाइफ एंड अदर लाइफ फॉर्म्स, तो ये 97-99% अल्ट्रावायलेट रेज को ऑब्जर्व करती है एंड मेंटेन करती है ओजोन ऑक्सीजन गैस साइकिल को। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल आपको पता होना चाहिए, ओरिजिनल जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है वो 16 सितंबर 1987 को एग्री हुआ था एंड 1989 1 जनवरी को ये आया था। ठीक है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का एम यही है कि ओजोन को जो स्ट्रेटोस्फीयर में है उसको डिप्लीट करने से रोका जाए एंड क्लोरोफ्लोरोकार्बन, हेलोन्स, कार्बन टेट्रोक्लोराइड, मिथाइल क्लोरोफॉर्म, इनको फेज्ड आउट करना होगा बाय 2000 एंड 2005 रखा गया था फॉर मिथाइल क्लोरोफॉर्म। नाउ इंडिया कूलिंग एक्शन प्लान, तो ये भी अप्रिशिएशन रिसीव कर रहा है UN से ऑन वर्ल्ड ओजोन डे। इंडिया पहली कंट्री है जिसने ये डॉक्यूमेंट बनाया। इसमें जो कूलिंग डिमांड है उसको रिड्यूस करना है 20% to 25%, ये 2037 to 2038 की बात है। रेफ्रिजरेंट डिमांड को 25 to 30, कूलिंग एनर्जी रिक्वायरमेंट्स को 25 to 40, ट्रेनिंग एंड सर्टिफिकेशन देना होगा 1 लाख सर्विसिंग सेक्टर टेक्नीशियंस को, रिकॉग्नाइज करना होगा कूलिंग एंड रिलेटेड एरियाज़ को। ब्रॉड ऑब्जेक्टिव क्या है, असेसमेंट करना होगा कूलिंग रिक्वायरमेंट्स इन द नेक्स्ट 20 ईयर्स एंड देन आपके सारे गुड पॉइंट्स इसके अंदर आ जाएंगे। शोला ग्रासलैंड्स, तो शोला ग्रासलैंड्स ये ध्यान रखिएगा यहाँ पे आपको इंक्लूडिंग टी नीलगिरीज। ठीक है, मद्रास हाई कोर्ट ने एक रिपोर्ट फाइल की कि जो नीलगिरीज है दे कैन वाइप आउट शोला वेजिटेशन। तो फाइंडिंग्स क्या रहे, जो चेंज है वेजिटेशन के अंदर उससे वाटर सोर्सेज के अंदर कमी आई एंड मैसिव लैंडस्लाइड्स आई। जो इन्वेजिव स्पीशीज़ है यूकैलिप्टस, टी प्लांटेशंस, वेटल, न्यूट्रलाइज्ड एलियन स्पीशीज लाइक लैंटेना कैमेरा, ओपोंटिया स्ट्रीसा, क्रोमोलियना ओडोरोटा, पार्थेनियम हेस्टेरोफोरस, सेना स्पेक्टेबलिस, उनको सीरियस इम्पैक्ट है ऑन द शोला फॉरेस्ट एंड ग्रासलैंड। तो आप ये देख सकते हैं ये बहुत ही सुंदर पिक्चर है एंड ये जो शोला वेजिटेशन है ये ट्रॉपिकल माउंटेन फॉरेस्ट हैं जो कि वेस्टर्न घाट्स के अंदर पाए जाते हैं। रोलिंग ग्रासलैंड से ये सेपरेटेड होते हैं एंड ड्वार्फ ट्रीज इसके अंदर मिल जाएंगे 25 to 30 feet के। स्टंटेड फॉरेस्ट ग्रोथ है एंड वेजिटेशन डबल लेयर्ड स्टोरी है विथ क्लोज्ड कैनोपी विच हार्डली परमिट्स अ सिंगल रे ऑफ सनलाइट टू पेनिट्रेट इनटू द नेचुरल वेजिटेशन। नाउ जो नीलगिरी का जो अपर रीजन है वो साउदर्न ग्रासलैंड माउंटेन ग्रासलैंड पाया गया है। 1973 से 2014 तक जो शोला ग्रासलैंड्स हैं वो 66.7% डिक्लाइन हुए। जो शोला फॉरेस्ट एंड जो एसोसिएटेड ग्रासलैंड्स हैं वो लार्ज क्वांटिटी ऑफ वाटर को स्टोर करते हैं ऑन माउंटेन रेंजेस एंड काफ़ी सारी रिवर्स केरला एंड तमिलनाडु की यहीं से ओरिजिनेट होती हैं एंड अगर ये डिप्लीट होंगी
तो जो स्ट्रीम्स हैं दैट सप्लाई वाटर्स टू देम ड्राई अप इन समर, यहाँ पे बायोडाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है, वाइल्ड लाइफ बहुत ज़्यादा आपको मिल जाएगी। तो ये पलानी हिल रेंज ऑफ वेस्टर्न घाट्स के अंदर है, एंड जो ग्रासलैंड्स हैं एज ग्रासलैंड्स वैनिश एंड ज़्यादा फ्रेगमेंटेड हो गई, तो नीलगिरी पिपिट जो है वो भी खतरे में आ जाएगा। जो खतरा क्या है, जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है केरला के एंड तमिलनाडु के, बिसाइड्स प्राइवेट प्लांटर्स वो रिस्पॉन्सिबल हैं इसके डिस्ट्रक्शन के लिए। एग्रीकल्चर को एक्सपेंड करना, एग्रीकल्चर एंड फेलो लैंड वो इंक्रीज़ हुआ 3 गुना, 200 स्क्वायर किलोमीटर पिछले 4 डिकेड्स के अंदर। इन्वेजिव स्पीशीज़ का स्प्रेड होना वो भी खतरा था। फायर एंड डेवलपमेंट ऑफ टूरिज्म जैसे कि उधगमंडलम, पोनमुडी, तिरुवनंतपुरम डिस्ट्रिक्ट के अंदर, मुन्नार के अंदर, उससे 16 जो ग्रासलैंड्स है वो डिस्ट्रक्ट हुई। ठीक है, तो ये सेंसिटिव टाइप ऑफ वेजिटेशन है। स्टबल बर्निंग अब हम नहीं करेंगे, हमने काफ़ी बार कर लिया है। एमिशन ट्रेडिंग स्कीम ये सूरत में लॉन्च की गुजरात की गवर्नमेंट ने। एमिशन ट्रेड स्कीम एक रेगुलेटरी टूल है जो कि पॉल्यूशन को चेक करेगा। गुजरात पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड इसको देखेगा, एंड तो ये एक कैप एंड ट्रेड मार्केट की तरह काम करेगा। ओके, नाउ ब्लैक कार्बन, तो एक रिसेंट स्टडी के अकॉर्डिंग जो वेहिकुलर एग्जॉस्ट एंड कोल फायर्ड पावर प्लांट्स होते हैं उससे ब्लैक कार्बन पार्टिकल्स एमिट होते हैं, एंड ये डिटेक्ट किए गए ऑन द फेटस फेसिंग साइड ऑफ द प्लेसेंटा। इससे जो अनबॉर्न बेबी है उसकी डेवलपमेंट पे फ़र्क पड़ता है। ब्लैक कार्बन पार्टिकल्स का कॉन्सेंट्रेशन होना बहुत ज़्यादा है वुमेन के प्लेसेंटा के अंदर, जिसकी वजह से एयरबॉर्न पॉल्यूटेंट्स जो हैं उससे एक्सपोज होते हैं। इनहेलेशन करना इन पार्टिकल्स का मदर के लंग्स में, इससे लाइफ लॉन्ग चेंजेस आ सकते हैं बेबी के डेवलपमेंट के लिए भी। ठीक है, ब्लैक कार्बन मीन्स प्योर कार्बन इन सेवरल लिंक्ड फॉर्म्स, एंड ये फॉर्म होता है जब आप इनकम्प्लीट कम्बशन करते हैं फॉसिल फ्यूल का, बायोफ्यूल का या फिर बायोमास का, एंड इज एमिटेड इन बोथ एंथ्रोपोजेनिक एंड नेचुरली अकरिंग सूट। नाउ इंडिया वाटर वीक, इंडिया वाटर वीक जो थी वो 6ठी ऑब्जर्व की गई, न्यू दिल्ली के अंदर ऑर्गेनाइज की गई 24 to 28 सितंबर। इसे ऑर्गेनाइज किया तीन ने, डिपार्टमेंट ने, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के ही डिपार्टमेंट ऑफ वाटर रिसोर्सेज ने, रिवर डेवलपमेंट एंड गंगा रेजुवेनेशन ने। थीम थी वाटर कॉपरेशन कोपिंग विद 21st सेंचुरी चैलेंजेस। कंसेप्चुअलाइज एंड ऑर्गेनाइज की गई पहली बार 2012 में। इंडिया की जो वाटर वीक है वो एक रेगुलर फोरम है जहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्सेज, रिवर डेवलपमेंट एंड गंगा रेजुवेनेशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिस्कस करती है प्रॉब्लम्स को। नाउ फॉरेस्ट प्लस टू, तो ये ध्यान रखिएगा, US एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट फॉर इंडियाज़ मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, उन्होंने फॉरेस्ट प्लस टू जो है वो लॉन्च कर दिया है। ये 5 साल का प्रोग्राम है जो दिसंबर 2018 में शुरू किया गया था। ठीक है, सेकेंड सेट ऑफ पायलट प्रोजेक्ट्स है रेड प्लस, रिड्यूसिंग एमिशंस फ्रॉम डिफॉरेस्टेशन एंड फॉरेस्ट डिग्रेडेशन उसको हेल्प करेगा। 4 पायलट प्रोजेक्ट्स हैं इसके अंदर, सिक्किम में, रामपुर में, शिवमोगा में एंड होशंगाबाद के अंदर। ठीक है, तो नाउ न्यू IPCC रिपोर्ट वॉर्न्स ऑफ डायर थ्रेट्स टू ओशियंस। तो IPCC ने एक नई रिपोर्ट इशू की, दैट इज़ स्पेशल रिपोर्ट ऑन ओशियन एंड क्रायोस्फियर इन अ चेंजिंग क्लाइमेट। ये जो रिपोर्ट है वो बता रही है कि जो चेंजेस ओशियन के अंदर हो रहे हैं, ग्लेशियर्स में, आइस डिपॉजिट्स में, एंड ये प्रिपेयर की गई IPCC पैनल डिसीजन से 2016 में, जहाँ पे 3 स्पेशल रिपोर्ट्स बनाई गई। स्पेशल रिपोर्ट्स ऑन ग्लोबल वार्मिंग ऑफ 1.5 डिग्री सेल्सियस, ऑन क्लाइमेट चेंज एंड लैंड। 21वीं सेंचुरी में जो ओशियन है, इट इज़ प्रोजेक्टेड टू ट्रांजिशन टू अनप्रेसिडेंटेड कंडीशंस विद इंक्रीज टेम्परेचर्स, एल नीनो, ला नीना इवेंट्स। जो ग्लोबल ओशियन हैज़ वार्म्ड अनएबेटेड सिंस 1970, एंड इससे जो 90% एक्सेस हीट है वो भी ली जाती है। 1993 से जो ओशियन वार्मिंग है वो डबल से भी ज़्यादा हो गई है। मैराइन हीट वेव्स जो हैं वो बहुत डबल हो गई है 1982 से। नाउ IPCC, दैट इज़ इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज वर्किंग ग्रुप थर्ड, ये इंडिया के अंदर इसकी मीटिंग हुई, इज मीटिंग इन इंडिया ताकि फर्दर प्रिपरेशन हो सके 6th असेसमेंट रिपोर्ट की। 65 कंट्रीज़ के 200 से भी ज़्यादा एक्सपर्ट्स एक साथ आए ताकि वो फर्स्ट ड्राफ्ट बना सकें रिपोर्ट का, जिसको फाइनलाइज़ किया जाएगा जुलाई 2021 में। मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज इसे होस्ट कर रही है। ये रिस्पॉन्सिबल होंगे फॉर असेसिंग द मिटिगेशन ऑफ क्लाइमेट चेंज एंड कॉम्प्रिहेंसिव साइंटिफिक असेसमेंट रिपोर्ट हर 6 या 7 साल में पब्लिश की जाए।
जाएगी। AR6 सिक्स्थ असेसमेंट रिपोर्ट लिंक देखती है बिटवीन द कंजम्पशन एंड बिहेवियर, कनेक्शन देखती है बिटवीन शॉर्ट टू मीडियम टर्म एक्शंस, मिटिगेशन ऑप्शंस। नेक्स्ट क्या है, हर 3 IPCC वर्किंग ग्रुप जो है वो रिलीज़ करते हैं देर कॉन्ट्रीब्यूशन टू द 6th असेसमेंट रिपोर्ट। एक सिंथेसिस रिपोर्ट 2022 में इंटीग्रेट देम टुगेदर विथ 3 स्पेशल रिपोर्ट्स, ये रिलीज़ की जाएगी कि ताकि 2023 का ग्लोबल स्टॉक किट्स भी देखा जा सके, क्योंकि अभी हमने करा था ना कि 2 डिग्री का हमें ग्लोबल वार्मिंग एंड फिर उसको 1.5 डिग्री तक लेकर आना है। जो आपका इंटर गवर्नमेंटल पैनल है क्लाइमेट चेंज का, वो UN बॉडी है फॉर असेसिंग द साइंटिफिक रिलेटेड टू क्लाइमेट चेंज। इसे इस्टेब्लिश किया था UNEP ने एंड वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन ने 1988 में। 195 इसके अंदर मेंबर स्टेट्स हैं। 3 ग्रुप्स हैं, 1, 2 एंड 3। फर्स्ट जो है वो क्लाइमेट चेंज को देखता है, सेकेंड इम्पैक्ट्स एडेप्टेशन एंड वल्नरेबिलिटी को, थर्ड मिटिगेशन को, एंड द लास्ट टॉपिक ऑफ टुडेज वीडियो पोस्ट डिजास्टर नीड्स असेसमेंट। तो जो नेशनल इंस्टीट्यूट है डिजास्टर मैनेजमेंट का, वो ऑर्गेनाइज करेगा एक दिन का नेशनल वर्कशॉप ऑन पोस्ट डिजास्टर नीड्स असेसमेंट। ठीक है, ये एक साइंटिफिक टूल है ऑन पोस्ट डिजास्टर नीड्स असेसमेंट, जो किसके अंडर है, नेशनल साइक्लोन रिस्क मिटिगेशन प्रोजेक्ट के अंदर। फोकस यही रहेगा कि स्टडी की जा सके एंड उसको यूज़ भी किया जा सके जब भी मेमोरेंडम फॉर सबमिशन बनाए टू द MHA इन पोस्ट डिजास्टर फेस। तो ये डेवलप करेगा UN का डेवलपमेंट प्रोग्राम, यूरोपियन एंड वर्ल्ड बैंक। ठीक है, कंप्लीट असेसमेंट होगी, प्लानिंग होगी पोस्ट क्राइसिस सेटिंग्स के अंदर ही, डिजास्टर का इम्पैक्ट देखा जाएगा। ऑब्जेक्टिव यही है, डैमेज्ड इंफ्रास्ट्रक्चर को रिस्टोर करना है एंड इन्वेस्ट करना होगा सिग्निफिकेंट रिसोर्सेज में टू एड्रेस रिकवरी नीड्स। तो ये एक होलिस्टिक रिकवरी प्रोग्राम है दैट प्रोमोट्स इक्विटी एंड इंक्लूजन। So finally, this again we have completed the 30 pages. So last 25 pages we will do in tomorrow's video. Till then, please subscribe and also share the videos. And thank you so much for your cooperation. My channel has been monetized around 20 or 25 days back. So thank you so much for that. And I wish ki aap zyada se zyada meri help karenge, mere videos ko zarur share karenge. Thank you.